शांति, नौ दस के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवास बाबा अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? जवाब, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम भल खाओ पियो पढ़ो कुछ भी करो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का गायन है। 21 जन्म के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है, इसलिए बाबा जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। मेन पॉइंट्स, वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं है लेकिन पूरी दुनिया का बाप है, ये समझने की बात है। बाबा बाबा कहने से बाबा द्वारा दिया गया वर्षा ज़रूर याद आता है। अब बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं और निर्विकारी बनने के लिए देवी देवता बनना, पवित्र बनना है। निर्विकारी फिर निर्विकारी दुनिया भी चाहिए, तो बाबा विकारी दुनिया से निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया तो कहते हैं दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है, इस समय सबको सुख शांति दोनों चाहिए, भगवान भी मिलना चाहिए, सब भगवान से सुख मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता धन के लिए, सोचता है पैसे में ही सुख है, तुमको तो बेहद का बाप बहुत पैसा देता, तुम सतयुग में कितने धनवान हीरे ज्वारात के व्यापारी, वहाँ पर हीरे ज्वारात कितने होते, महल हो जाते। तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, बाकी यहाँ कलयुग में तो बहुत दुख हैं, दुख के ही बंधन हैं, सुख संबंध में होता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम्हें दुखों से निकाल सुख में ले जाता हूँ, ये मृत्यु लोक खत्म होने वाला है, अब तुम्हें मैं स्वर्ग में चलने के लायक बनाता हूँ, अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो, फिर उनकी आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। बाबा कहते, देखो तुम्हारा प्लान कैसा है, दुनिया कैसे कैसे प्लान बनाती रहती है, तुम तो अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाती है, जितना मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी समझाया, तुम्हें कोई और तकलीफ तो देता ही नहीं हूँ, बस यही तो कहता हूँ, मुझे याद करो और पवित्र बनो, भल एक पैसा भी ना दो लेकिन मुझे याद ज़रूर करो। पैसे से पाप नाश नहीं होते हैं, पाप नाश करने हैं तो शिव बाबा को याद करो। हाँ, बाकी बाबा डायरेक्ट आया है तो अपना सफल करने ना चाहिए, मेले मलाखड़े में जाते कितना माथा टेकते हैं, यहाँ तो घर बैठे ही शिव बाबा को याद करना है, और कोई तकलीफ नहीं देता है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते। धारणा, मौत सामने खड़ा है इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है, सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है, पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती, मर जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त, जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म की नई स्मृति, नए जीवन की कर्मेंद्रियों को वश कैसे हो सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रिया के वश होना क्या चीज़ होती है, यह तो नॉलेज से भी परे है, शूद्रपन का जरा भी श्वास अर्थात संस्कार कहीं अटका हुआ ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल से परमात्म स्नेह में समा लो, अमृत वेले में परमात्म स्नेह को दिल में समा लो,
तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। आज का स्वमान रहेगा, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, सारा दिन बाबा के स्नेह में समाए रहना है। ओम शांति।